हे गाइस, आज हम जमाई षष्ठी बंगाली फेस्टिवल एक मेकअप लेके आई हूँ लोग का। तो प्लीज़ मेरी इस में वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले नहीं है तो चलिए मैं आपको मेकअप दिखा दी हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने क्योंकि गर्मी का सीजन है तो इसलिए मैंने पहले अपने फेस पे पूरा आइस लगा दिया। उसके बाद मैंने मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल किया फेस पे, अच्छे से पहले मॉइस्चराइज़र लगा दिया आइस लगाने के बाद। उसके बाद मैंने ये लिया प्राइमर। अब मैं प्राइमर को यूज़ करूँगी अपने फेस पे। आप देख ही सक रहे होंगे मैंने चार जगह टी जोन में लगा के अच्छे से उसे लगा लिया है। और नोज़ की तरफ तो अच्छे से आप प्राइमर लगाइए, नाक की तरफ, क्योंकि लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लैकहेड्स के कारण बहुत जन का मेकअप नहीं बैठ पाता है इसीलिए। उसके बाद मैंने लिया ये फाउंडेशन अपने फेस का। मैंने फिटमी का मैं यूज़ की हूँ, नॉर्मली मैं कहीं जाती हूँ तो फिटमी का यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने फिटमी का यूज़ किया है अपने फेस के बेस का। तो इसलिए पहले मैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर के सहायता से मैं उसे अच्छे से लगा लूँगी। उसके बाद मैं करूँगी अपने आई मेकअप। तो मैंने ब्राउन कलर का एक शेड लिया है, ब्लैक ब्राउन होते हैं, उसे मैंने आईब्रो कर रही हूँ क्योंकि मेरा आईब्रो ऐसे में भी क्लीन किया हुआ नहीं है। मेरे आईब्रो बहुत ही ज़्यादा अभी घने ही हैं तो मैं थ्रेडिंग नहीं की हूँ, तो इसलिए मेरा आईब्रो थोड़ा ज़्यादा मोटा भी हो गया है। लेकिन आपका जिस तरह आईब्रो है वैसे ही कीजिए। तो मैं अपने आईब्रो को पहले सेट कर ली, उसके बाद मैं अपना करूँगी शैडो। मैंने जो ड्रेस पहना है मैंने उससे भी डार्क कलर का शैडो यूज़ किया है। मैं शैडो किस तरह लगा रही हूँ वो आप देख सक रहे हो। ब्रश की सहायता से, आप हाथ की भी सहायता से लगा सकते हो, मेरा तो बहुत अच्छा होता है हाथ की सहायता से, बट मैं ब्रश से ही लगा रही हूँ अभी। उसके बाद मैंने हाइलाइटर, वाइट कलर वाला हाइलाइटर जो यूज़ किया है आँख के ऊपर, ये हाइलाइटर मैंने लगा दिया है वाइट कलर का। पहले अच्छे से सामने की तरफ फर्स्ट जिस तरह शॉकेडिंग होता है उस तरह ही मैंने फर्स्ट लेयर पे ही हाइलाइटर को लगाया। उसके बाद मेरे फेस से ज़्यादा लाइट यानी वाइट में ही मैं एक कॉम्पैक्ट ली हूँ, उसको मैं हाइलाइटर यानी कि कंसीलर बेस पे मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। वो मेरा कंसीलिंग भी कर रहा है और हाईलाइट भी हो रहा है। तो मैं उसे पहले यूज़ की, उसको मैंने अच्छे से आँख के नीचे और मेरे फॉरहेड पे, नोज़ पे और अपर लिप पे लगा लिया। उसके बाद देन मैंने आईलाइनर यूज़ किया है अपने अकॉर्डिंग। आप जिस तरह आपका आईज है, आपको जिस तरह मैचिंग होता है उस तरह आईलाइनर लगा लो। ये बहुत ही ज़्यादा फटाफट वाला मेकअप है, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को गर्मियों के सीजन में। उसके बाद आईब्रो पेंसिल था उससे मैंने आँख के नीचे स्मच कर लिया है, मैंने काजल नहीं लगाया है, जस्ट वो लाइट आईब्रो पेंसिल से स्मच किया है आँख के नीचे। तो इससे ही मेरे आँख पूरा ये हो गए, ब्लैकी शेड लग रहे हैं। उसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट यूज़ किया है अपने फेस पे, फिर जाके हाइलाइटर यूज़ किया है। हाइलाइटर वाइट कलर वाला, जो वाइट हाइलाइटर है वार्म कलर टाइप्स, उसे मैंने अपने नोज़ पे, चीक पे और अपर लिप फॉरहेड पे लगा लिया है। अपर लिप पे भी आप अच्छे से लगाए और चिन पे भी लगाए, ये देखिए मैंने लगा लिया। उसके बाद मैंने यूज़ किया ये ब्राउन कलर का शेडो, जो मेरा ब्लशर का काम करेगा। तो ये ब्राउन कलर शेड है वो बहुत ही अच्छा लगता है फेस पे। उसके बाद मैंने लास्ट जो फिनिशिंग दिया है वो है फेस मेकअप स्प्रे। तो इसलिए ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गर्मियों के सीजन में। तो उसके बाद मैंने अप्लाई किया है अपने लिप पे लिपस्टिक। तो आउटलाइन से मैं पहले से आउटलाइन बना लूँगी, उसके बाद मैं लिपस्टिक यूज़ करूँगी। और आपको जैसा जिस कलर पसंद है, लाइट करते हो या डार्क करते हो, आप उस हिसाब से ही अपना सेट लगा लोगे। तो ये मेरा आउटलाइन बन के तैयार है। अब मैं इसे डार्क कलर का, जो मैरून डार्क बोलते हैं, मैं उस टाइप का लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। फिर मैं एक ट्रिक आप लोगों को बताना चाहूँगी। ये मेरा मैट लिपस्टिक है, तो मैंने इस पर अगर मैं अपना गोल्डन कलर का जो ब्लशर है, सॉरी हाइलाइटर है, मैंने उसे यूज़ किया है। उससे ग्लॉजी टाइप लगता है देखने में। तो ये मेरा मेकअप तैयार है। अब मैं अपना हेयर स्टाइल भी आपके लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये हेयर स्टाइल कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना।
और अपने आप भी ट्राई करोगे, बहुत ही अच्छा बहुत ही मस्त हेयर स्टाइल है। मैं इसे हमेशा यूज़ करती हूँ एक बन बनाने के लिए, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। आप तो देखो आप। ऐसे आप साइड से निकाल सकते हो, अगर आपको निकालना है तो निकाल सकते हो। इसके बाद मैंने एक बड़ा सा गार्डन लिया है, इसे अपने लगा लिया है अपने हेयर पे, किस तरह मैं दिखा रही हूँ, ये देखो इस तरह करके मैंने लगा दिया। अब इसे मैं हाथ से जो जूड़ा बनाते हैं हम लोग नेचुरली घर पे जब रहते हैं तो हाथ से इस तरह जूड़ा बना के इस तरह क्लिप लगा के, एक क्लैचर है उसे बड़ा क्लैचर आप लगाओगे, लगा के इस तरह हेयर हेयर को एक तरफ साइड करके ये देखो आप क्लिप से इसे सेट कर लो। ये मेरा जूड़ा बन के तैयार है। अब जो लास्ट रहा बिंदी, उसके बाद सिंदूर, आप जिस तरह जिस स्टाइल से सिंदूर लगाना चाहते हो तो इस साड़ी के लुक में जिस तरह अच्छा लगता है सिंदूर, मैं उस तरह का आपको लगा के दिखानी हूँ। एंड देन मेरा फाइनल लुक तैयार है, तो बताओ कैसा लगा। ऐसे ही मेकअप की ट्रिक जानने के लिए आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें, मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा ही मेकअप अच्छे मेकअप ट्रिक लेके आऊँगी। आप किस तरह कैसे क्या सिंपल सा मेकअप, आपके पास जो मेकअप है आप उस पर ही मेकअप करें, किस तरह करें। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय।